हेलो एवरीवन योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस साल SOL में एडमिशन लेंगे, फ्रेश एडमिशन लेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि जिनके मन में डाउट रहता है कि क्या वो SOL में एडमिशन लेके सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनको एडमिशन लेना चाहिए SOL में या फिर उनका कोई और कोर्स या कहीं और एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप इग्नू हैं या आपका कोई और यूनिवर्सिटी है। तो क्या आपको केवल SOL जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है, तो इसी के अंदर आपका एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में अभी बात करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एडमिशन की रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, एडमिशन फॉर्म, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में या इसी चैनल पे आपको जो है बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको कभी भी मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले से आप सभी को बना के दी है, जिसमें आपको मैंने बताया है कि आप सभी के एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे और कौन कौन भर सकता है। इसके अलावा किसी अगर आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो BA प्रोग्राम हो, BCom हो, BA ऑनर्स पोल साइंस हो, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो या फिर BA ऑनर्स इंग्लिश हो, तो इस कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताया है। तो उस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब इस वीडियो में दोस्तों हम केवल यही बात करेंगे कि SOL में क्या आपको एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट ईयर स्टूडेंट कह लीजिए जिन्होंने भी SOL में एडमिशन लिया है, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा फीडबैक जो है नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे SOL में एडमिशन लेने के बाद कौन कौन से आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ SOL में एडमिशन लेने के बावजूद अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि इनके एडमिशन फॉर्म जो होते हैं ये ऑनलाइन ही फिल किए जाते हैं, आपको इसके लिए कहीं पर भी इनके कैंपस में या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एडमिशन के लिए पूरा प्रोसीजर रहता है और ये ऑनलाइन रहता है। लेकिन दोस्तों जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो क्लासेस जो रहती हैं दोस्तों इनकी काफ़ी देर से शुरू की जाती हैं, क्लासेस जो रहती है दोस्तों काफ़ी देर से शुरू की जाती है। लास्ट ईयर क्या हुआ दोस्तों, जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है इनकी क्लासेस जो हैं टाइम पर स्टार्ट हुई हैं, लेकिन इस साल दोस्तों कुछ कह नहीं सकते हैं कि आप सभी की क्लासेस जो हैं ये टाइम पर स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जब आप अपना एग्जामिनेशन दे देते हैं तो आप सभी का जो रिज़ल्ट रहता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, सेमेस्टर का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन जो है, अब अभी आपने NEP प्रोग्राम में आप एडमिशन लेंगे तो आप सभी की जो ग्रेजुएशन रहेगी 4 साल की रहेगी। हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपका 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और जो नेक्स्ट ईयर होता है 3rd ईयर उसमें आपका 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर होता है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर होता है। तो ये आपके कुछ ऐसे सेमेस्टर डिवाइड रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देते हैं तो इसका जो रिजल्ट रहता है दोस्तों ये जल्दी भी रिलीज़ नहीं किया जाता है, काफ़ी ये लोग टाइम लगाते हैं, जिस वजह से आपको जो है थोड़ा बहुत अगर आप अपने रिजल्ट को लेकर सीरियस रहते हैं तो आपको जो है वेट करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन केवल कंप्लीट करना चाहते हैं, केवल आप डिग्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है SOL में एडमिशन ले सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर आप केवल ग्रेजुएशन करना चाहें, डिग्री लेना चाहें, अगर आप, ऐसी बात नहीं है कि SOL में पढ़ाई नहीं होती, SOL में भी जो है अच्छी खासी पढ़ाई होती है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी CGPA जो होती है काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हैं, जो भी क्लासेस आपको जहाँ पर आपको लेने के लिए कहा जाता है वहाँ पे आप अपनी क्लासेस लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स जो आ जाते हैं, किसी भी अगर मास्टर कोर्स करना चाहें तो आप जो है उस नंबर के भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर आप केवल ग्रेजुएशन करना चाहें, डिग्री लेना चाहें तो SOL में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको अपने रिजल्ट में दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती है, चाहे वो आपके अगर आपके रिजल्ट में एब्सेंट दे देते हैं, रिजल्ट में आपको ER दे दिया जाता है, ईयर बैक दे दिया जाता है, तो कई सारे ऐसे चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिसाइड रहता है दोस्तों कि आप सभी को अपना एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अभी इसके जो एडमिशन फॉर्म है रिलीज़ नहीं हुए हैं, जून में रिलीज़ किए जाएंगे, तो आपको मैं चैनल के थ्रू प्रैक्टिकली करके बताया जाएगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा।